हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो जैसा कि अपनी डेली एक्सरसाइज होती है यूट्यूब पर, और लगभग हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाए हुए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उन्हें नहीं देखा हो तो यूट्यूब पर जा करके प्ले लिस्ट सर्च कर लीजिए। टॉपिक वाइज आपको कई सारे वीडियोज आपके एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं डिटरमिनर, और यहाँ पर आपको डिटरमिनर की एक्सरसाइज कराएंगे आज। लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर जरूर बता सकते हैं कि आज की क्लास में टोटल स्कोर आपका कितना हुआ। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर वन, और सेंटेंस वन में है डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आपको बताना है करेक्ट डिटरमिनर क्या यूज किया जाएगा सेंटेंस वन में। पहला ऑप्शन है लिटिल, दूसरा ऑप्शन है अ लिटिल, तीसरा आपके पास ऑप्शन है फ्यू एंड डी ऑप्शन है आपका अ फ्यू। राइट आंसर बताएगा कौन, बताने वाला है। तो देखो यहाँ पर लिटिल और अ लिटिल, फ्यू अ फ्यू में थोड़ा सा अंतर मैं बता दूं, यदि ए आर्टिकल नहीं लगा है तो इसका जो मीनिंग है वो निगेटिव जाता है, निगेटिव सेंस में, यानी ना के बराबर। अब कितना नॉलेज डेंजरस होता है, मान लो आपको ना के बराबर किसी चीज के बारे में नॉलेज है तो वो डेंजरस आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। एंड अ लिटिल एंड अ फ्यू इज इक्वल टू सम, लेकिन किसी भी चीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना वो डेंजरस हो सकता है, जब तक आपको उस चीज की, उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी ना हो। दूसरी बात करते हैं, नॉलेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अ लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, अ फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। यहाँ पर आपको लिखना है अ लिटिल, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, सेंटेंस वन में राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस टू, और सेंटेंस टू में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो प्ले स्टोर से तो उसको जरूर कर ले। वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें, कई सारे टॉपिक, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। कमेंट के माध्यम से आप ये भी बता सकते हो कि आप किस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसी से रिलेटेड मैं और भी कई सारी क्लासेस आपको देता रहूँगा। तो सेंटेंस नंबर टू में हैज ही डैश फ्रेंड्स इन द टाउन, क्या उसके इस टाउन में कोई फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड्स, मच, मैनी, लिटिल या फिर नन। सेंटेंस इंटरोगेटिव है और फ्रेंड्स लिखा हुआ है प्लूरल नाउन। अब ये देखो कौन से डिटरमिनर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग सामान्यतः होता है। मच एंड लिटिल है, इनके बाद एक ऐसा नाउन आएगा जिसे आप गिन नहीं सकते, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। एंड नन के बाद नाउन नहीं आता है, लेकिन फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है। तो मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, और यहां पर आप लिखेंगे हैज ही मैनी फ्रेंड्स, सेंटेंस टू में राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस थ्री, और सेंटेंस थ्री में है डैश मैन हैज डाइड एट सी, मैनी, मैनी अ मैनी या फिर नन। तो सबसे पहले नन लिखा हुआ है, तो नन के बाद नाउन नहीं आता, ये याद कर लो। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, मैनी अ मैनी नहीं होता है, और मैनी आ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनी अ मैन हैज डाइड एट सी, राइट आंसर रहेगा सेंटेंस थ्री में। नेक्स्ट है सेंटेंस फोर, और सेंटेंस फोर में है सी इज हंग्री, मच हंग्री, टू मच, वेरी या फिर नन। पहले ये देखो हंगरी क्या है, आपका हंगरी है एडजेक्टिव, क्या है ये एडजेक्टिव। तो यहां पर क्या है आपका फोर में नन, नन के बाद नाउन एडजेक्टिव नहीं आता है। अब बताओ राइट आंसर सेंटेंस नंबर फोर में क्या होगा। तो इससे पहले जो टू मच भी नहीं होगा, इससे पहले आपका जो राइट ऑप्शन यूज होगा ये होगा वेरी। इसे हम इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी कह सकते हैं,
और कई सारी वर्ब्स में आपको ये एज एन एडवर्ब के रूप में भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस फाइव। सेंटेंस फाइव में क्या है, काफी बड़ा सेंटेंस है। यस, सेंटेंस नंबर फाइव है, डैश नॉलेज ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मी। यानी जो गारमेंट इंडस्ट्री का जो नॉलेज है वह मेरे लिए कैसा साबित हुआ है, बहुत ही हेल्पफुल। द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल या स्मॉल आर। पहले देखो नॉलेज, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है। अब आता है ओनली द लिटिल है, द लिटिल मतलब जितना भी नॉलेज है वो यूजफुल है, हेल्पफुल है। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, सम का सम की वजह सम मतलब हेल्पफुल में नहीं हो पाएगा। अ लिटिल का सेंस स्मॉल आर यहाँ पर यूज नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा द लिटिल नॉलेज ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मी। राइट आंसर है सेंटेंस सिक्स का, सॉरी फाइव का। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर सिक्स, ही इज कंटेंटेड एंड दस हैप्पी बिकॉज ही हैज केसेस फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू या फिर फ्यूअर। सेंटेंस नंबर सिक्स देखिए ध्यान से, तो पहले देखो कि यहां पर केसेस प्लूरल काउंटेबल नाउन और सभी में फ्यू लगा है। अ फ्यू मीन्स होता है आपका, अ फ्यू मीन्स क्या है, सम है ना, फ्यूअर है, द फ्यू है एंड फ्यू। राइट आंसर सेंटेंस नंबर सिक्स, तो सेंटेंस नंबर सिक्स का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस सेवन। सेंटेंस नंबर सेवन में सी फाउंड अ गुड कार्ड्स इन अ सोप एंड सी बॉट कार्ड्स लास्ट नाइट, दोज दैट देम एंड दिस, बताइए राइट डिटरमिनर। तो यहां पर देखो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है यहां पर गुड कार्ड्स की। कार्ड्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग आपको यहां पे यूज करना है, कौन से कार्ड्स उसने पिछली रात खरीदे, तो वो कार्ड्स जो दुकान में उसे अच्छे लगे थे, है ना, तो प्लूरल है आपका लिखा ही है, ये सिंगुलर में जाएगा, ये भी सिंगुलर में जाएगा, एंड कार्ड्स नाउन है और ये प्रोनाउन हो जाएगा। पजेसिव केस यूज हो रहा है, यहाँ पर आपको लिखना है दोज, दोज कार्ड्स लास्ट नाइट, ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस सेवन में राइट है। नेक्स्ट है सेंटेंस एट। सेंटेंस नंबर एट में है ऑल टीचर्स एग्री, यानी सारे शिक्षक सहमत हैं दैट परेश इज द इंटेलिजेंट बॉय इन दिस इन हिज क्लास। यानी कि उसकी क्लास में कौन सबसे इंटेलिजेंट है, परेश, बताइए। डिग्री बनाना है मोर, मोस्ट, मैरी या ओनली। सेंटेंस नंबर एट क्या होगा राइट आंसर, अब देखो यहाँ पर लगा हुआ है डेफिनेट आर्टिकल द, और डिग्री बनाना है तो डेफिनेट आर्टिकल द के बाद कौन सी डिग्री आती है, वो आती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर क्या यूज होना है, यहाँ पर राइट आंसर यूज हो रहा आपका मोस्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सेंटेंस एट में। नेक्स्ट है सेंटेंस नाइन। सेंटेंस नाइन है सी नीड्स मोर मनी टू बाई अ न्यू कार, यानी उसे और ज्यादा धन की जरूरत है एक नई कार खरीदने के लिए। द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल या इनमें से एक भी नहीं। सेंटेंस नंबर नाइन, मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते। यानी कि द लिटिल मतलब जितना भी है वो, अब उसके पास तो अभी है ही नहीं, जरूरत है, लिटिल हो रहा तो कार नहीं खरीद सकते, इनमें से एक भी नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी अ लिटिल मतलब थोड़े धन की आवश्यकता है जिससे वो एक नई कार खरीद ले। अ लिटिल आपका राइट आंसर होगा सेंटेंस नाइन में। एंड नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर टेन, एवरीबडी शुड ओबे डैश एल्डर से, यानी हर किसी को अपने बड़ों का, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इट्स हो रहा, हिज हो रहा, दिस हो रहा या इनमें से एक भी नहीं हो रहा। अब आपका लिखा हुआ है प्रोनाउन एवरीबडी, एवरीबडी के अकॉर्डिंग। अब आप पजेसिव केस क्या लगाएंगे, तो एवरीबडी के साथ जो पजेसिव केस यूज हो रहा ये हो रहा हिज। राइट आंसर, राइट डिटरमिनर आपका हिज यूज किया जाएगा सेंटेंस नंबर टेन में। तो ये हो गए आज की क्लास के टेन सेंटेंसेज। आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन आपके, यानी कितने सेंटेंस आपके करेक्ट हुए हैं।
कोई भी डाउट्स हो तो बेझिझक आप नीचे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर आप कई सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं टॉपिक वाइज बहुत ही मिनिमम फीस में। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आपको बस सिंपल सा काम करना है, हमारे इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ये क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करना यदि आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।